आजकल बेरोजगारी शब्द हर जगह सुनने को मिलता है, फिर चाहे टीवी हो, अखबार हो या लोगों के द्वारा सुनने को मिले। हर व्यक्ति यही कहता नजर आता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। क्या इसकी हकीकत जानने व समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवान चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज राइजिंग। आज जो युवा मांग है नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. बेरोजगारी से संबंधित हमारे देश में कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया जाता है। इसी वजह से हम लोग एक प्राइवेट संस्था जैसे हम CMI के नाम से जानते हैं, इसका सहारा लेंगे। CMI का सहारा लेने से पहले जानने की कोशिश करते हैं CMI क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है। CMI का पूरा नाम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। CMI के अनुसार भारत के द्वारा कभी भी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेस पर ऐसी कोई जानकारी पब्लिश नहीं की गई जिससे हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चल सके, फिर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में BJP की सरकार। ऐसा ना करने का कारण भी है क्योंकि सरकार द्वारा यदि कोई डाटा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पब्लिश किया जाता है तो सरकार को उसकी जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। इसी वजह से सरकार ऐसा कोई डाटा पब्लिश नहीं करती है जिसकी उसे जवाबदेही देनी पड़े। वहीं दूसरी ओर यदि कोई प्राइवेट कंपनी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है तो सरकार द्वारा उसकी ऑथेंसिटी पर सवाल उठाकर बंद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि हमारे देश में बेरोजगारी से संबंधित कोई भी टीवी डिबेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है। What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for? अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो आज के समय यानी कि मई 2022 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 7.2% तथा शहरी क्षेत्र में 9.2% है। भारत के राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो सबसे ऊपर हरियाणा है जिसमें 34.5% और दूसरे नंबर पर राजस्थान जिसमें 28.8% के बाद तीसरे नंबर बिहार आता है जिसमें 21.1% बेरोजगारी दर है। यदि सबसे कम बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 0.2 हिमाचल प्रदेश, 0.6 छत्तीसगढ़ और 1.2% असम में बताई जा रही है। बाकी राज्यों की बेरोजगारी दर से संबंधित आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि पिछले साल की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 11.8% था, जो CMIE के द्वारा दिया गया था। 2016 के बाद सबसे ज़्यादा अप्रैल सन 2020 में 23.5 और सबसे कम जुलाई 2017 में 3.37 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, जो CMI के अनुसार है। एक्चुअल फिगर काफ़ी अलग हो सकते हैं जिसका अंदाज़ा आप अपने घर परिवार आस पड़ोस को देखकर लगा सकते हैं। मैंने जो आपको बेरोजगारी दर बताई है वो भारत में CMI के अनुसार है, जो कि 178,677 परिवार में हुए सर्वे के आधार पर दिया गया है। अब आप समझ ही रहे होंगे, 135 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में 170,000 से ज़्यादा लोगों पर सर्वे किया जाता है, जिसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.8% बताई जा रही है। ये आंकड़ा कितना भरोसे के लायक है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने घर आस पड़ोस में देख सकते हैं बेरोजगार कितने हैं तथा रोजगार कितने हैं। बेरोजगारी दर कितनी भी कम या ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में हमारी सरकार को बेरोजगारी दर को पब्लिश करना चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। And responding to yesterday's sharp message by the president, where he seemed to tell the government not to review the constitution, Mr. Jethmalani, the law minister today, said that the government will set up a committee to do so soon.